हेलो एवरीवन वेलकम टू सिविल स्टेप सो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे पीवाई क्यूज प्रीवियस क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड के जो 2023 जो फेब में मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर आए थे ठीक है रिसर्च के हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वन यूज ऑफ थ्योरी इन सोशल साइंस रिसर्च इज इंपॉर्टेंट एज इट प्रोवाइड्स क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन क्या है यूज ऑफ अ थ्योरी मतलब थ्योरी का एक एक पॉइंट जो है एक एक line, एक एक लाइन सेगमेंट जो स्टेटमेंट का है बहुत है बहुत इंपॉर्टेंट यूज ऑफ थ्योरी ठीक है थ्योरी का यूज मतलब थ्योरी ऑलरेडी बन चुकी है राइट ऑलरेडी थ्योरी बन चुकी है उसका यूज करना है इन सोशल साइंस ठीक है हम ह्यूमन बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं राइट साइकोलॉजी राइट तो बेसिकली रिसर्च सोशल साइंस रिसर्च में ह्यूमन बिहेवियर रिसर्च में इज इंपॉर्टेंट एज इट प्रोवाइड्स कंट्रास्टिंग फ्रेमवर्क नंबर वन एक्सेस लिटरेचर जस्टिफिकेशन फॉर रिसर्च क्वांटिटेटिव डाटा तो क्या राइट right ऑप्शन आएगा यूज ऑफ थ्योरी मतलब थ्योरी जब ऑलरेडी बन चुकी हो ठीक है ऑलरेडी थ्योरी बन चुकी है और हमने उसके बाद क्या करना है जब उसका यूज करते हैं ठीक है थीके? तो सबसे पहले जो चीज बच चुकी है जब उसका यूज करते हैं तो मीन्स कौन सा मेथड है ऑलरेडी एक रूल एक थ्योरी जो क्रिएट हो चुकी है उसको हम अब जस्टिफाई करेंगे एग्जाम्पल के साथ वेरीफाई करेंगे जस्टिफाई करेंगे ठीक है तो क्या प्रोवाइड करती है वो कंट्रास्टिंग फ्रेमवर्क नहीं एक्सेस लिटरेचर बहुत सारा लिटरेचर प्रोवाइड करती है ये भी नहीं क्वांटिटेटिव भी नहीं बिकॉज थ्योरी है ठीक है थ्योरी है तो क्वालिटेटिव आएगा जो क्वांटिटेटिव टर्म है बेसिकली वो नंबर्स के साथ रिलेटेड है ठीक है तो ये भी नहीं आएगा जस्टिफाई करते हैं हम जस्टिफिकेशन फॉर द रिसर्च थ्री इज द राइट ऑप्शन ठीक है जब कोई चीज ऑलरेडी बन चुकी है उसको अब हम क्या करेंगे जस्टिफाई क्लियर जब जस्टिफिकेशन करते हैं जस्टिफिकेशन दैट इज यूज ऑफ अ थ्योरी फॉर द जस्टिफिकेशन ऑफ द रिसर्च क्लियर थ्री इज द राइट ऑप्शन सेकेंड है अ सैंपल ऑफ रिस्पॉन्डेंट विच इज अवेलेबल टू रिसर्चर बिकॉज ऑफ देयर असेस

तो बताओ कौन सी तरह की सैंपलिंग है रैंडम सैंपलिंग कोटा सैंपलिंग स्नोबॉल सैंपलिंग कन्विंसिंग सैंपलिंग ठीक है है रैंडम और बाकी सारी नॉन रैंडम सैंपलिंग के टाइप्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे तो बताइए अगर कोई सैंपल इजिली अवेलेबल है इजिली असेसिबल है तो कौन सी सैंपलिंग है दैट इज कन्वीनियंस सैंपलिंग वेरी इजी ठीक है तो so क्वेश्चन में ही इसका आंसर का हिंट दिया हुआ है क्लू दिया हुआ है राइट फोर्थ इज द राइट ऑप्शन तो देख लेते हैं ऑप्शनिंग के टाइप कोटा सैम्पलिंग क्या होती है हमने वर्ड सुना ना कोटा कि यहां पर इतने परसेंट कोटा है स्पोर्ट्स वालों का कोटा है ठीक है किसी हॉस्टल में अगर एडमिशन लेनी है ठीक है हॉस्टल में रहना है तो वहां पर पांच परसेंट अगर कोटा है स्पोर्ट्स जो कैंडिडेट्स हैं स्पोर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं राइट तो कोटा क्या रिजर्व सीट्स होती हैं वो किस में आता है नॉन रैंडम सैंपलिंग में आता है ठीक नहीं नहीं है हमने फिक्स किया हुआ है इतने परसेंट कोटा जो है रिजर्व है सीट्स तो दैट इज कोटा सैम्पलिंग ठीक है अब नॉन रैंडम पहले देख लेते हैं नॉन रैंडम क्या है इट द इट इज बायस्ड इन नेचर ठीक है

काफी सारे पार्टिसिपेंट्स है राइट right? तो हमें पांच लेने हैं उसमें से तो रेंडम सैम्पलिंग है, है, जो ग्रुप है सब पर्सन के पास इक्वल चांस है सिलेक्ट होने का ठीक है किसी की भी टर्न आ सकती है तो रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है जिसमें हमें कुछ कोई बायसनेस नहीं होती इसमें राइट right? कुछ बायसनेस नहीं होती हम क्या करते हैं रैंडम सैंपलिंग में रैंडमली पिक करते हैं कोई भी सैंपल अगर हमने पांच का सैंपल लेना है दस का सैंपल लेना है तो इस बीस कोई भी सैंपल कोई भी ले सकते हैं तो मतलब हर एक पर्सन के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है ठीक है सिलेक्ट होने की तो उसको रैंडम सैंपलिंग बोलते हैं नॉन रैंडम में पिक्स है, है हम अपने अकॉर्डिंग वो चीज चूज करते हैं कोटा नॉन रैंडम में आती है कोटा सैंपलिंग क्योंकि इसमें हमने

क्वेंटेंस मतलब मतलब क्या है कि अगर हमने कोई पर्टिकुलर सिलेक्ट किया है एक ग्रुप मान लीजिए आपने सोचा कि आप अपने आसपास के जो लोग हैं अपने सोसाइटी के बच्चे हैं अंडर ग्रेजुएट हैं उनके ऊपर आपने कोई टेस्ट करना है ठीक है तो आपने सभी बच्चे सिलेक्ट कर लिए उनको जाके क्वेश्चन दे दिया और साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दे दिए उनको ताकि उन्हीं के ही कुछ फ्रेंड्स होंगे अंडर ग्रेजुएट जो है ठीक है तो वो उनको आगे दे पाए तो मतलब आपने उनको तो दिया ही ठीक है जो आपके नोन में थे उनको उन्हों, उन्होंने उन्हों भी आगे जब सबको दिया तो दैट इज स्नोबॉल कि स्नोबॉल आगे आगे वो फ्यूचर वो देते गए और सब्जेक्ट्स को नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है ढूंढना ठीक है इज द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग फॉर इंक्लूजन इन द सैंपल बिकॉज दे आर द इजिएस्ट फॉर द रिसर्चर टू अस ठीक है तो जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग सैंपल ऑफ रिस्पॉन्डेंट अवेलेबल टू द रिसर्चर जो हमारे पास इजिली अवेलेबल है दैट इज कन्यट सैम्पलिंग क्लियर है ठीक है तो क्वेश्चन में ही हिंट दिया हुआ है

किसी और का पब्लिश किया वो पेपर ले लिया उसको हमने स्टडी किया ठीक है कि उन्होंने किस तरह से कौन सी टेक्निक्स लगाई हुई है अपना पेपर स्टार्ट करने से पहले अपना पेपर पब्लिश करने से पहले या अपनी रिसर्च को शुरू करने से पहले हम औरों के क्या लेते हैं एक बार रिव्यू लेते हैं कि बाकी रिसर्चेस इस इसी टॉपिक पे किस तरह से की गई है तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है बेसिकली रिव्यू ऑफ लिटरेचर में हम एनालिसिस करते हैं हम दे कहेंगे या उसको स्टडी कहेंगे ठीक है स्टडी एनालिसिस की जगह स्टडी वर्ड इज बेटर कि हम स्टडी करेंगे उसको जो पुराना लिटरेचर है ठीक है तो बेसिकली हमें बताना है कौन सा स्टेप इसमें इन्वॉल्व होता है सर्च फॉर आर्चिवल रिकॉर्ड मतलब हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो पड़े हैं उसको आप रिसर्च करते हो ठीक है मतलब काफी ज्यादा पुराने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स डिफाइन द पर्पज पर्प डिफाइन करते हो जब आप लिटरेचर की स्टडी करते हो असेस द रेलिवेंस ऑफ सिलेक्टेड स्टडीज ठीक है रेलिवेंस देखते हो कि आपके कितनी रेलिवेंस है आपका टॉपिक कितना रेलिवेंट है जब आप बाकी स्टडीज को देखते हो आइडेंटिफाई द क्वालिटी ऑफ ईच स्टडी ठीक है जो भी आप स्टडी करो उसकी क्वालिटी क्या है क्वालिटी के ऊपर फोकस करते हो क्योंकि आप पढ़ने बैठे हो किसी और का तो आप क्वालिटी तो देखोगे राइट सो इंटरव्यू द ऑथर्स ऑफ ईच स्टडी सिलेक्टेड जो भी आपने स्टडी सिलेक्ट की किसी और का पेपर जिसने पब्लिश किया अब आप, आप उसकी इंटरव्यू लेते हो बताओ इंटरव्यू तो बिल्कुल नहीं है ठीक है आपने सिर्फ रिव्यू किया है किसी का पब्लिश किया हुआ पेपर तो वहां पर आपका इंटरव्यू तो बिल्कुल भी नहीं आएगा कि आप इंटरव्यू लेने नहीं बैठोगे बाकियों की जिन्होंने पेपर ऑलरेडी पब्लिश किया राइट तो ई तो गलत है ठीक है अब आप देखो अब जब एक गलत हो गया अब आप सीधा ऑप्शन पे आओ इलिमिनेशन मेथड यूज करो ठीक है स्मार्टली हमने ऑप्शंस को देख के उसको इलिमिनेट कर देना है और फिर बाकी ऑप्शन में से चूज करना राइट right? तो ई e, e यहाँ पर आ गया तो ये दोनों तो गलत हो गए ठीक है क्योंकि इंटरव्यू थोड़ा ना लेंगे हम ऑथर्स के जिन्होंने पेपर पब्लिश किए तो बाकी ऑप्शन पे आते हैं हमारे पास ए बी सी बी सी डी है अब देखो बी सी और बी सी ये दोनों क्या है ऑलरेडी ऑप्शन में है तो बी और सी तो पक्का ही है ठीक है डिफाइन द पर्पज हम रिव्यू देख के हम जब दूसरों का पेपर स्टडी करते हैं रिसर्च स्टडी करते हैं तो वहां पर हम हमारा पर्पस भी डिफाइन हो जाता है राइट right? कि हमने हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारा क्लियर है कि हमने किस पे रिसर्च करनी है असेस द ऑफ सिलेक्टेड स्टडीज हम रेलिवेंस भी हमारा टॉपिक भी हमें पता चल जाता है रेलिवेंट है राइट right? तो ये दोनों करेक्ट हैं अब ए और डी में देखते हैं सर्च फॉर आर्चुअल रिकॉर्ड्स आप हिस्टोरिकल बहुत पुराने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स पे नहीं जाते ठीक है आइडेंटिफाई करते हो क्वालिटी ये ज्यादा ऑप्टिमम है ऑप्शन की आइडेंटिफाई करते हो क्वालिटी ऑफ ईच स्टडी ठीक है आप क्वालिटी देखते हो हर एक जो आपने पेपर पब्लिश पुराने किए हैं उसको जब आप स्टडी करते हो तो अगर आप क्वालिटी देखते हो उसके अकॉर्डिंग ही आप फिर अपना डिसाइड करते हो कि मुझे कौन से मेथड्स लगाने हैं कौन से टेक्निक्स टूल्स यूज करने हैं राइट तो डी इज द राइट ऑप्शन बी सी डी ठीक है तो की जो है है वो step by step होती ठीक है थीके? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं करते हैं problem को कि हम स्टडी करेंगे राइट जैसे मान लो हमने एक टॉपिक लिया इमोशनल इंटेलिजेंस हमने चार से लेकर चौदह साल के बच्चों की इमोशनल इंटेलिजेंस देखनी है राइट सपोज हमने ये टॉपिक लिया या टीनेजर्स कि हमने इमोशनल इंटेलिजेंस स्टडी करनी है उस पर रिसर्च करनी है तो आप क्या करोगे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे फिर उसके बाद रिव्यू करोगे लिटरेचर पुरानी स्टडीज को एनालाइज करोगे उसी से आपका पर्पस डिसाइड हो जाएगा कि मुझे यही करना है देन फिर आप डिजाइन मतलब मेथड्स देखोगे कौन कौन से मेथड्स अप्लाई करने हैं डाटा कलेक्ट करोगे ट्रैवल करके कहीं जाकर अलग अलग लोकेशंस पे फिर एनालाइज करोगे और इंटरप्रिटेशन करोगे डाटा की कि डाटा का पूरा

ठीक है जब हमें किसी नंबर्स की बात की जाए ठीक है जहां क्वालिटेटिव की बात नहीं की है क्वालिटेटिव क्या है जहां हमारा सब्जेक्टिव ओपिनियन आता है मतलब हर एक पर्सन का अपना अपना ओपिनियन है वहां पर बायसनेस आ जाती है क्वांटिटेटिव में क्या है बेसिकली नंबर्स की बात है जो कि फिक्स होते हैं तो मतलब वो ऑब्जेक्टिव रिसर्च होती है ठीक है ऑब्जेक्टिविटी होती है एक्यूरेसी होती है उसमें तो कहते हैं जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है ना वो ज्यादा एम्फेसिस करती है जनरलाइजेबिलिटी मतलब जनरलाइजेबिलिटी का मतलब क्या है कि रिसर्च को आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो बाहर ठीक है किसी भी जगह पे अप्लाई करो तो सेम रिजल्ट आएंगे ऑब्जेक्टिव रिजल्ट रिजल्ट आएंगे आएंगे एक्यूरेट ठीक है तो क्वांटिटेटिव उसको बोलते हैं अगर यहाँ पे क्वालिटेटिव दिया होता ना तो फिर गलत था क्योंकि क्वालिटी में क्या होता है क्वालिटेटिव में आपका अपना ओपिनियन बाइसनेस आ जाती है क्लियर है ठीक है ऑफ फाइंडिंग्स

जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है वो तो एक्चुअल में जनरेट करती है रिप्रेजेंटेटिव सैंपल रिप्रेजेंटेटिव सैंपल 20 में से 20 इंडिविजुअल्स में से अगर हमने पांच इंडिविजुअल सिलेक्ट करने हैं तो वो जो पांच होंगे जो हमने रैंडमली सिलेक्ट किए हैं वो एक पॉपुलेशन को डिफाइन कर रहे हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं ठीक है तो यहां पर लिखे डज नॉट जनरेट तो दिस इज रॉन्ग ठीक है तो स्टेटमेंट ए इज करेक्ट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज फॉल्स थ्री इज द राइट ऑप्शन क्लियर है देखो थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगा ठीक है तो आपका आराम से आपको इसको आप कर पाओगे हर एक क्वेश्चन को ठीक है विद ऑप्शन यस गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट दिए हमें स्टेटमेंट वन इन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इट इज नॉट नेसेसरी दैट

कि जो सारे मेंबर्स हैं पॉपुलेशन के इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले पर डेफिनेशन तो यही कहती है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है ठीक है क्योंकि हम तो रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ लिखा है नॉट नेसेसरी तो दिस इज रॉन्ग क्लियर सेकंड स्टेटमेंट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड इज नॉट फिक्सड फिक्स होता है ठीक है अगर नॉन प्रोबेबिलिटी रैंडम होता ठीक है वो गलत होता तो बेसिकली नॉट फिक्स तो बेसिकली क्या है और प्री डिफाइंड सिलेक्शन प्रोसेस तो दोनों स्टेटमेंट्स क्या है रॉन्ग क्लियर है बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स इज द राइट ऑप्शन क्लियर है नॉट फिक्स्ड लिखा है तो यहां भी स्टेटमेंट रॉन्ग है नॉट ने यहां भी रॉन्ग है क्लियर है यस सो ये थे हमारे पांच क्वेश्चन जो कि Uh, 2023 फेब वाले पेपर में आए थे पी ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एम के साथ पी के साथ टिल देन गुड बाय हैव अ नाइस डे